चार राज्यों की मतगणना जारी है, जहां छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराती नजर आ रही है। पूरे देश में भाजपा जल्लोष मना रहे हैं। ऐसी श्रृंखला में नागपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ढोल ताशा और आतिशबाजी कर जल्लोष व्यक्त किया गया। नमस्कार, इंडिविजन न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, चार राज्यों के रुझान आ चुके हैं, जहाँ की तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ की आप देख पा रहे हैं बड़ी मात्रा में आज नागपुर की भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला आघाड़ी, युवक आघाड़ी सभी यहाँ हर्षोल्लास के साथ ये जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी जो है नेताओं की बदौलत आज जो है यह जीत उन्हें मिल रही है, ऐसा कहीं ना कहीं कथित तौर पर कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बैंड बजाया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, अभी तक प्राथमिक रुझान आए हैं, स्पष्ट अभी तक चित्र नहीं हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं तीन राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। पार्टी, महिला आघाड़ी, युवा आघाड़ी आदि सभी ने ढोल की धुन पर नाचते हुए यह विजय मनाया, जहां फटाकों की लड़ियां जलाते हुए युवाओं ने भाजपा का जयघोष किया। भाजपा का विजय परचम लहराते हुए युवा और ढोल की धुन पे फुगड़ी खेलती महिला कार्यकर्ताओं ने समा हर्षमय बनाया, जहां विशेष रूप से विधान परिषद के विधायक प्रवीण दटके एवं मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारी विशेष रूप से मौजूद थे, जहाँ उन्होंने इस विजय का श्रेय जनता के प्रेम, आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के मेहनत को दिया। इस वक्त विधायक दटके ने लोकसभा में अब की बार 400 पार नारा भी दिया। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। वहाँ का मध्य प्रदेश में वहाँ का सत्ता और संगठन का विजय है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भ्रष्टाचारी, अहंकारी, महिलाओं के खिलाफ वाली सरकार जा रही है। वहाँ के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ। हमारे लाडले नेता, हमारे देश के पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी है, माननीय अमित शाह जी है, माननीय नड्डा जी है, तीनों राज्यों के हमारे नेता, उनको उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर से एक बार 2024 में अब की बार 400 पार होगा, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास है। मैं छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान के मतदाताओं को विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है वो उम्मीदवारों की नहीं तो उनकी जीत है, और उनका अच्छा जीवन अच्छा कटे इसके लिए हम प्रयास करेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने विधायक प्रवीण दटके से बात की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात की कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का विजय कार्यकर्ता और साथ ही साथ उन जनता की बदौलत है जिन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की सराहना की। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC News के लिए नागपुर।